The question is, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled into it. The diameter of the pencil is 7 millimeter, the diameter of the graphite is 1 millimeter, and the length of the pencil is 14 centimeter. Find the volume of graphite, volume of wood, the weight of whole pencil. If the specific gravity of the wood is 0.7 grams per centimeter cube, and that of the graphite is 2.1 grams per centimeter cube, right? So अब देखो, जैसे हमारे पास पेंसिल जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप की पेंसिल है, राइट? और हमें पता है कि सेंटर में एक सिलेंड्रिकल शेप का लेड होता है, हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि जो ये बीच में ग्रेफाइट है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड देन पूरी पेंसिल का वेट। हमें गिवन क्या है, 14 सेंटीमीटर तो इस पेंसिल की लेंथ है। डायमीटर ऑफ द पेंसिल, इस पूरी पेंसिल का डायमीटर 7 मिलीमीटर्स है, एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, और जो ग्रेफाइट है बीच में वो है 1 मिलीमीटर डायमीटर का, राइट? सो वी हैव डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 मिलीमीटर, एंड लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड करना है हमें, तो ग्रेफाइट भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर 1 था, सो रेडियस हो जाएगी 1/2, और इसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 / 10, अगर होगा तो 1/20, राइट? दैट इज आर। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये जो लेंथ है ये हमारे पास एच है, ठीक है? सो 22/7 इंटू 1/20, क्योंकि आर स्क्वायर था, और h है हमारे पास 14। इसे हम सॉल्व कर लेंगे कम्प्लीटली। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/100, दैट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम 0.11 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आ चुका है। सेकेंड पार्ट में है वॉल्यूम ऑफ वुड। अब वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कंप्लीट पेंसिल के वॉल्यूम में से ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस करना होगा, ठीक है? ग्रेफाइट का वॉल्यूम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि हमें ओनली वुड का चाहिए, तो उसमें से ग्रेफाइट आपको माइनस करना होगा। सो रेडियस ऑफ पेंसिल 7 थी, डायमीटर 7 है तो 7/2 मिलीमीटर्स हो जाएगा, इन सेंटीमीटर्स में 7/20 हो जाएगा, ये 7/20 सेंटीमीटर। मैं इसे डिनोट कर रही हूँ कैपिटल आर से। सो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, 7/20 इंटू एच, एच हमारे पास क्या है 14। सो 7 × 14, 2 से आप ये कैंसिल कर लो, देन 2 से अगेन हमारे पास हो जाएगा ये 11, एंड दिस इज 10। सो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 539/100, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब ये होल पेंसिल का वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम ऑफ वुड, सो वॉल्यूम ऑफ वुड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। पेंसिल का वॉल्यूम अभी हमने निकाला 5.39 था, और ग्रेफाइट का 0.11 था, सो दैट विल बी इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, वेट ऑफ द पेंसिल। हमें दोनों की ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड 0.7 ग्राम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेफाइट
ग्रेफाइट की है हमारे पास 2.1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो वेट क्या हो जाएगा, हमने दोनों के अलग अलग वॉल्यूम निकालनी है, हमें हमारे पास वुड का वॉल्यूम भी है, हमारे पास ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी है, तो जितना वुड का वॉल्यूम है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.7, क्योंकि हमें पूरी वुड का वेट फाइंड करना होगा एंड ग्रेफाइट का वेट फाइंड करने के लिए ग्रेफाइट के वॉल्यूम को 2.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वेट ऑफ पेंसिल विल बी इक्वल टू 5.28 मल्टीप्लाई बाय 0.7, ये वुड का वेट था तो वुड के वेट को उसकी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस 0.11 मल्टीप्लाई बाय 2.1, राइट, इतने ग्राम्स जो है वो वेट हो जाएगा पेंसिल का। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ही हमारे पास आ जाएगा 3.927 ग्राम्स। तो कंप्लीट पेंसिल का वेट हमारे पास सी होगा। थैंक यू।